दोस्तों आज हम एसएससी जीडी 2024 के पीटी पीएसटी से जुड़े आपके दो बड़े सवालों के ऊपर बात करेंगे। आज आपको जवाब मिलने वाला है सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल, यानी कि आरएफआईडी चिप के अंदर वेट कितना होता है। सेकंड जो सवाल जो बार बार हमसे पूछा गया है कि क्या आरएफआईडी चिप लगने के बाद भी धांधली होने के चांसेस हैं या फिर फेयर रनिंग इस बार आपकी रहने वाली है। सो इन दोनों सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे आरएफआईडी चिप के अंदर वेट, यानी कि वजन कितना होता है। देखिए हर कैंडिडेट के मन में कुछ सवाल है कि आरएफआईडी चिप कैसी होगी, कैसे काम करेगी, उसके अंदर वजन कितना होगा, कहीं वजन ज्यादा तो नहीं होगा, कहीं मैं उस आरएफआईडी चिप के वजन की वजह से रनिंग में रह तो नहीं जाऊंगा, या फिर मैं उसके वजन के साथ सही से रनिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके मन में हैं और उसी वजह से आपने हमसे सवाल पूछा है कि सर एक बार आप हमें आइडिया दे दीजिए कि आरएफआईडी चिप के अंदर वेट कितना रहेगा। तो देखिए यहां पर एक वेबसाइट है, उसने एक बार क्या हुआ था, मैराथन जो होती है, दौड़ जो होती है, वो मैराथन दौड़ करवाई गई थी कैंडिडेट्स की। सो उन मैराथन दौड़ में जो कैंडिडेट्स जो दौड़ रहे थे उनके पैरों पर भी आरएफआईडी जो चिप है वो यहां पर लगाई गई थी। तो उस कंपनी ने आरएफआईडी चिप जो उनके पैरों पर लगाई गई थी उनके वेट का यहां पर एक रेशियो निकाला था, वही यहां पर मैं आपको दिखाने वाला हूं जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि आरएफआईडी चिप के अंदर कितना वजन आपके पर रहने वाला है, कितना वजन आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए ये वो सर्वे है जो उस वेबसाइट ने यहां पर किया था। तो यहां पर 10 जो मेजरमेंट है वो ली गई थी, वेट ऑफ द होल टैग, टैग कौन सा होगा जो आपके पैर पे बांधा जाता है। तो देखिए अलग अलग टैग्स के अलग अलग जो वेट है वो यहां पर निकाले गए थे। इसके अलावा जो मेटल फॉइल होती है, अगर जो टैग है उसको जिस मेटल फॉइल के अंदर लपेटा जाएगा, जिसमें लगाया जाएगा टैग, उसका वजन ये यहां पर दिया गया है कि 10 का क्या अलग अलग था, किसी में कुछ थोड़ा बहुत ऊपर, किसी में थोड़ा बहुत नीचे, पर वेट ऑफ मेटल, वो मेटल जिसके अंदर वो पूरा का पूरा सिस्टम फिट किया जाता है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए ये वाला, ये देखिए ये आपका है जो बेल्ट है, इसके ऊपर ये आपका टैग है जिसके अंदर आपको मेटल के अंदर वो कार्ड रखा गया है, इसके अंदर आपका कार्ड लगाया गया है। तो इन सारे चार चीजों को मिलाकर ये जो टैग है ये यहां पर आपका लगाया गया था, उसका जो वजन है वो यहां पर आपके सामने है। तो अब आप देख सकते हैं कि आपका जो ये जो टैग रहने वाला है या जो आरएफआईडी चिप रहने वाली है इसका वजन यहां पर क्या रहने वाला है। तो यहां पर कुछ पॉइंट्स में ऊपर नीचे हो रहा है, अदरवाइज सबका जो वेट है वो ऑलमोस्ट सेम यहां पर है। तो टोटल जो वेट है वो ये तीनों चीजें जो आपके पैर पे लगेंगी, इन तीनों को मिलाकर ही आपकी जो पैर पे सारी चीजें बांधी जाएंगी, तो उनका वेट जो है वो यहां पर आपके सामने, ठीक है। सो अब यहां से आपको आइडिया लग गया होगा कि आपके आरएफआईडी चिप का जो वेट है वो कितना रहने वाला है। अब इसके साथ बात करते हैं आरएफआईडी चिप लगने के बाद भी क्या धांधली हो सकती है या नहीं हो सकती। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए जो आरएफआईडी चिप है इसका मेन मोटिव होता है कि आपका एक्यूरेट जो टाइम है ना उसका मेजरमेंट करना है कि आपने कितने टाइम के अंदर रनिंग पूरी की है। अब जैसे कि आप मान सकते हैं कि देखो पीएमओ की वेबसाइट होती है, ठीक है, प्रधानमंत्री की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है वो भी हैक हो जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा जो ट्विटर्स होते हैं, ट्विटर जो होता है या फिर फेसबुक होता है या और भी जो बहुत सेंसिटिव जो वेबसाइट्स होती हैं, जब वो तक हैक हो जाती हैं, जब उनके अंदर भी सेंध लग सकती है, तो क्या आपको लगता है क्या आरएफआईडी चिप के अंदर अगर कोई करना चाहे तो क्या सॉफ्टवेयर के अंदर धांधली नहीं कर सकता। सो देखिए किसी भी चीज के अंदर, किसी भी यंत्र के अंदर आप चाहें तो उसके अंदर फेयर काम भी कर सकते हैं या चाहें तो अनफेयर काम भी कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो ऑपरेटर है वो किस तरह से और किसके डायरेक्शन पे ये काम यहां पर कर रहे हैं। अब आरएफआईडी चिप आपके पैर पे लगा दी, आपको नहीं पता ना कि आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि आप यहां पर रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपके सामने तो डिस्प्ले नहीं लगा रखी कि सभी जितने भी और लोग हैं आपके साथ आए, रिलेटिव आए, वो देख सके कि आपने एक राउंड कितनी देर में पूरा किया है। ये तो कंप्यूटर के ऊपर आपके पास चीजें आ रही है, कंप्यूटर के ऊपर क्या आ रही है, क्या वो सॉफ्टवेयर रीड कर रहा है, क्या उसकी पर्ची निकाल के दी जा रही है, वो आपके हाथ में नहीं है, वो जो ऑपरेटर है उसके हाथ में। तो यहां पर ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई करना चाहे तो धांधली हो सकती है, और अगर कोई फेयर काम करवाने के पूरे पूरे मूड में हो तो फेयर काम भी यहां पर हो सकता है। सो ये डिपेंड करेगा कि एक्चुअल में जो ऑपरेटर है या जो ये ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं आपकी रनिंग, वो आपके इस जो इवेंट है इसको कैसे ऑर्गेनाइज करवाते हैं, ठीक है। सो ये कहना कि 100% फेयर रहेगा ये भी गलत होगा, और ये कहना कि इसमें 100% धांधली हो सकती है ये भी गलत होगा। तो यहां पर सीधे सीधे शब्दों में बात है कि यहां पर धांधली भी हो सकती है,
फेयर भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा कि ये फिजिकल कंडक्ट करवाने वाली जो एजेंसी है, जो आपकी फोर्स है, वो किस लेवल का और किस हिसाब से आपके फिजिकल को कंप्लीट करवाते हैं, ठीक है। सो अगर आपने इसके साथ ही हमारी कुछ प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो एक तो आप वो जाकर देख लेना, क्योंकि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, काफी नॉलेज आपको इन वीडियो से मिलने वाली है। सो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार।